पिछले 4 दिन से पाक राष्ट्रपति की अजमेर यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां आज उनके अजमेर पहुंचने के साथ पूरी हो गई। प्रशासन ने जरदारी की सकुशल अजमेर यात्रा के लिए ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्राना अदा कर राहत की सांस ली। रविवार को अजमेर शहर जरदारी की अजमेर विजिट को लेकर 2 भागों में बटा रहा। एक भाग वो जहाँ से जरदारी के काफिले को दरगाह पहुँचना था, उस भाग पर मौजूद दुकानों मकानों से किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं हो इसके लिए इंतजाम किए गए। साथ ही सभी तरह के ट्रैफिक को 2 से 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि तय वक्त 4:10 की जगह लगभग आधा घंटा देरी से पहुंचे जरदारी और पाक डेलीगेशन का घुघरा हेलीपैड पहुंचने पर संभागीय आयुक्त अतुल शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक राजेश निर्वाण, जिला कलेक्टर मंजू राजपाल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीना ने बुके देकर स्वागत किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ उनका बेटा बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के आंतरिक मामलात मंत्री रहमान मलिक, विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी, अतिरिक्त विदेश सचिव आसिफ दुर्रानी, पाक आयुक्त शाहिद मलिक, सीनेटर फारूक एच नायक, मुख्य सुरक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मुमताज सहित पाक के जनसंपर्क निदेशक सरफराज हुसैन, मीडिया टीम, भारत के उच्चायुक्त शरद सबरवाल सहित पाक राष्ट्रपति के रक्षा सचिव ब्रिगेडियर सैयद मोहम्मद अदनान, उपरक्षा सचिव कैप्टन अमर सईद और अन्य सुरक्षा अधिकारी का दल साथ था। पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का काफिला हेलीपैड से दरगाह के लिए रवाना हुआ तो सड़क के दोनों ओर के नागरिकों को बैरिकेडिंग के पीछे रोक दिया गया। 1600 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच किसी को भी सड़क पार करने की इजाज़त नहीं थी। बस स्टैंड से भी बसों का संचालन 4 घंटे के लिए बिल्कुल बंद रखा गया। घुघरा से जयपुर रोड, अम्बेडकर सर्कल, सावित्री चौराहा, बजरंगगढ़ चौराहा, गंज, दहली गेट होते हुए कारकेट दरगाह पहुंचा, जहां पहुंचते ही दरगाह की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। रेड कार्पेट से होकर जरदारी और बिलावल दरगाह शरीफ के आस्थाने में गए और जियारत की। इस मौके पर जरदारी ने अंजुमन के लेटर हेड पर अपनी जियारत का मौजू भी लिखा। साथ ही दरगाह के लिए 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया। दरगाह में खादिम सैयद इकबाल कप्तान और नातिक चिश्ती ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, बिलावल भुट्टो और पाक डेलीगेशन को पुरसकून जियारत कराकर उनकी दस्तारबंदी की। जरदारी ने सुल्तान हिंद ख्वाजा के दर पर लाल मखमली चादर पेश कर दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते फराहम करने और आतंक को ख़त्म करने की दुआ की। कुछ देर दरगाह में रुकने के बाद जरदारी जयपुर के लिए कूच कर गए। वहीं दिल्ली से जरदारी के साथ अजमेर आए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भेजी गई चादर गरीब नवाज के आस्थाने में पेश की और देश में खुशहाली, शांति, भाईचारे के साथ दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती और अच्छे रिश्तों की दुआ मांगी। जरदारी के अजमेर विजिट को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जेएलएन अस्पताल में सभी सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थिएटर और वार्ड को तैयार कर रखा था। किसी भी वक्त होने वाली कैजुअलिटी के मद्देनजर सीनियर स्टाफ अस्पताल में तैनात किया गया था, लेकिन जरदारी के पुरसुकून यात्रा से सभी ने राहत की सांस ली।